इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से किस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करे जाते हैं, और ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने ये देखा था कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है और साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। साथ में हमने हेप्टेन तक के आइसोमर्स किस तरह से ड्रॉ करे जाते हैं ये सीखा था। इसके साथ साथ साइक्लोएल्केन के आइसोमर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं ये भी बहुत अच्छे से समझा था। और आज इसके पार्ट सेकंड में कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल फार्मूला से हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स की, कि एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं, चाहे वो मोनो हेलो एल्केन डेरिवेटिव्स हो या फिर डाई या ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स हो। इनको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल नंबर वन, अगर हमारे पास C5H11X एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला है जिसमें एक्स कोई भी हैलोजन हो सकती है, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालेंगे। इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जीरो आएगा, इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड में रिंग जीरो होगी, डबल बॉन्ड जीरो होगा, ट्रिपल बॉन्ड जीरो होगा, ये सिर्फ ओपन चेन एल्केन होगी, और उस एल्केन में हमको हैलोजन को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ऐसे केस में क्या करना है, जब DU जीरो हो और एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव हो, यहाँ पर जितना भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उसके रफ में सभी आइसोमर बना लेने हैं। जैसे सपोज यहाँ पे C6 डिस्प्ले होता तो हेक्सेन के सभी आइसोमर हम रफ में बना लेते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल में यहाँ C5 है तो सबसे पहले रफ में पेंटेन के सभी आइसोमर ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो यानी इसके पार्ट वन में बनाना सीखा था। पेंटेन यानी C5H12 के तीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, एक एन पेंटेन होता है, सेकंड 2-मिथाइल ब्यूटेन होता है, और थर्ड 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन यानी नियो पेंटेन होता है। अब पेंटेन के इस फार्मूला यानी C5H12 और गिवन फार्मूला C5H11X में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस कंपाउंड में हेलोजन इंट्रोड्यूस करके एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, जिससे हमारे पास इसका मॉलिक्यूल फार्मूला C5H11X आ गया है। इसका मतलब ये है कि इन कंपाउंड में जैसे जैसे आप एक एक हेलोजन लगाते जाओगे ये हमारे पास C5H11X बनता जाएगा। अब करना क्या है, वन बाय वन इन कंपाउंड को कंसिडर करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पेंटेन, अगर पेंटेन को हम कंसिडर करें यानी एन पेंटेन हमने कंसिडर कर लिया, अब सबसे पहले हेलोजन को अगर यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, इन दोनों में से कहीं भी लगाएं, आपके पास केवल एक ही कंपाउंड बनेगा जो कि होगा 1-क्लोरोपेंटेन। तो हम क्या करते हैं, एक हेलोजन यहाँ लगा के ये पहला आइसोमर बना लेते हैं। अब इसमें क्लोरीन की पोजीशन को इस तरह से एज्यूम करते हैं या मूव करते हैं कि हमारे पास नया आइसोमर बन जाए, यानी अब ये क्लोरीन जो फर्स्ट पोजीशन में लगा हुआ है यहाँ से हटाकर इसको सेकेंड पोजीशन पर लगा देते हैं, यानी एन पेंटेन की सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन लगा देते हैं, तो इससे हमारे पास इसका दूसरा आइसोमर बनेगा जो कि 2-क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। इसी तरह से अगेन इस Cl को यहाँ से रिमूव करके यहाँ लगा देते हैं और तीसरा आइसोमर हमारे पास बन जाएगा, वो होगा 3-क्लोरोपेंटेन। अब कहीं भी आप और लगाओगे इस एन पेंटेन में आपको डेफिनेटली रिपीटेशन मिलेगा, यानी कि फर्स्ट कंपाउंड के हमने तीन पॉसिबल आइसोमर ड्रॉ कर लिए। इसी तरह अब कंपाउंड सेकेंड को कंसिडर करते हैं, अब कंपाउंड सेकेंड में हमारे पास 2-मिथाइल ब्यूटेन है। अब इसमें इस कार्बन पर या इस कार्बन पर दोनों में कहीं भी आप हैलोजन लगा लो, आपके पास केवल एक ही कंपाउंड की पॉसिबिलिटी होगी, तो हमने यहाँ पे Cl लगा दिया, ये एक कंपाउंड बन गया। अब इस क्लोरीन को इस कार्बन से रिमूव करके इस बीच वाले कार्बन पर ले जाके चेक करते हैं क्या पहले वाले से कुछ डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, तो ये कंपाउंड हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। डेफिनेटली ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो इसकी नंबरिंग आपको कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी, ये 1 नंबर जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि ये 1-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन होगा। जबकि सेकंड कंपाउंड में अगर नंबरिंग करें तो इसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से जाएगी, ये हमारे पास 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन होगा। अब जो हमने सेकंड कंपाउंड बनाया है उसके सेकंड नंबर पोजीशन से क्लोरीन को रिमूव करके थर्ड नंबर पोजीशन पर ले जाकर चेक करते हैं, अगर ऐसा कंपाउंड बनाए तो ये कंपाउंड कुछ हमको इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको देखना है ये बनने वाला कंपाउंड पहले वाले दोनों से डिफरेंट है या सेम है, डेफिनेटली ये डिफरेंट है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें नंबरिंग अपने करेंगे
इस साइड से, क्योंकि क्लोरो का सी मिथाइल के एम से अब ज्यादा प्रेफरेंस दोगे तो नंबरिंग इस साइड से जाएगी, यानी ये हमारे पास टू क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। अब मान लो यहाँ पे जो कंपाउंड बनाया है, अब उसका सीएल हम रिमूव करके इस कार्बन पर ले जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब अगेन चेक करना है ये कंपाउंड पहले वालों से डिफरेंट है या सेम है। अगेन ये डिफरेंट है। अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो ये हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि वन क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन होगा। अब क्या करना है, इसकी सभी पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली और इससे टोटल चार बने, इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर ली इससे टोटल तीन बने। अब बच गया तीसरे नंबर कंपाउंड। अब इस तीसरे नंबर कंपाउंड के इन चारों कार्बन पे कहीं भी आप सीएल लगाओ, इन चारों कार्बन में अगर आप एक सीएल लगाओगे तो वो कंपाउंड हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब बात रही क्या सीएल को हम इसमें यहां पे लगा सकते हैं क्या। अगर यहां पे आप सीएल लगाओगे तो आपको कंपाउंड कैसा दिखेगा, आपको कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा, बीच में यहां पे सीएल आ जाएगी। क्या ये कंपाउंड सही है या इसमें कुछ एरर है। यहाँ पे वैलेंसी की एरर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पांच हो चुकी है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड जो हमने ड्रॉ करा है इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, यानी कि जो हमारे पास टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन था उससे केवल एक क्लोरो डेरिवेटिव ही पॉसिबल है। तो इससे बने तीन, इससे बने टोटल चार, इससे बना एक, यानी कि C5H11X के टोटल हमारे पास एट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला C4H8X2 दिया हुआ है। अगर इस कंपाउंड की सबसे पहले DU निकालेंगे तो DU आएगी इसकी जीरो। इसका मतलब ये है हमको एल्केन में अब दो हेलोजन को रखना है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन दो दी गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो N की संख्या है उसके रफ में सभी ओपन चैन आइसोमर बना लेंगे, यानी ब्यूटेन के सभी आइसोमर बना लेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि जो ब्यूटेन है उसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होते हैं, एक हमारे पास एन ब्यूटेन होता है, दूसरा टू मिथाइल प्रोपेन होता है। अब इन कंपाउंड को वन बाय वन कंसिडर करना है और इसमें दो हेलोजन को रखना है, क्योंकि जब दो हेलोजन इसमें आप रखोगे तो दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगी, दो हेलोजन इंक्रीज हो जाएंगी, हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला C4H8X2 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं इसका फर्स्ट आइसोमर जो कि एन ब्यूटेन है। क्योंकि हमको दो क्लोरीन रखनी है तो सबसे पहले दोनों हेलोजन को हम एक साथ रखते हैं, यानी कि इसकी फर्स्ट नंबर पोजीशन पर हम दोनों हेलोजन को रख लेते हैं। अब क्या करना है, इन हेलोजन को वन बाय वन आगे मूव करना है, यानी कि एक हेलोजन को होल्ड करके रखना है, दूसरे हेलोजन को अगले वाली पोजीशन पर शिफ्ट करना है। तो ये कंपाउंड से जब हेलोजन को शिफ्ट करोगे, एक हेलोजन यहीं होल्ड कर लिया, दूसरा हेलोजन आगे चला गया, तो ये हमारे पास क्या इससे डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। एग्जैक्टली डिफरेंट बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास वन वन डाई क्लोरो था, ये वन टू डाई क्लोरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगेन पहले वाले को वहीं होल्ड रखेंगे और दूसरे वाले वाले की पोजीशन एक और चेंज कर देंगे। अभी हमारे पास बन जाएगा वन थ्री डाई हेलो। इसी तरह से एक बार और चेक करेंगे, एक हेलोजन यहीं रखा और दूसरे हेलोजन को हम एंड पर ले गए, तो ये मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा वन फोर डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करता है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती ये करता है, अब सेकेंड नंबर कंपाउंड को वो पहले कंसिडर कर लेता है, जबकि आपको क्या करना है, फर्स्ट कंपाउंड कंसिडर करना है, उसमें दो हेलोजन एक जगह पे लगाने हैं, एक हेलोजन को होल्ड करके रखना है और दूसरे हेलोजन को आगे मूव करते जाना है। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड था जिसमें हमने एक होल्ड करा, एक आगे मूव करा, अब इसी कंपाउंड में दोनों हेलोजन को एक साथ मूव करना है, यानी कि फर्स्ट कंपाउंड जो ये है इसमें दोनों हेलोजन फर्स्ट नंबर पे हैं, अब दोनों हेलोजन को एक साथ हम सेकंड नंबर पे ले आएंगे। तो इससे जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, यानी ये बन जाएगा हमारे पास टू टू डाई हेलो डेरिवेटिव। अब मान लो इन दोनों हेलोजन को यहाँ से यहाँ लगाते हैं तो क्या कंपाउंड डिफरेंट होता, हम लगा के चेक करते हैं। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड इस तरह से बनेगा अगर इन दोनों हेलोजन को यहाँ से अगले वाले कार्बन पे ले गए। अब ये दोनों कंपाउंड डिट्टो सेम है, क्योंकि इनकी IUPAC सेम है, ये कंपाउंड हमारे पास टू टू डाई हेलो ब्यूटेन है। इसी तरह ये कंपाउंड भी हमारे पास यहाँ से नंबरिंग करोगे टू 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 डाई हेलो ब्यूटेन है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को बनाना है, इसलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बन के आया उसमें यहाँ पे दो हेलोजन है, अब यहाँ पे एक को होल्ड कर लेंगे और दूसरे को आगे मूव करेंगे। अगर ऐसा आप करोगे तो एक हेलोजन तो आपका यहाँ रह जाएगा, दूसरा हेलोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा
2,3-dihalobutane। अब बनने वाले इस कंपाउंड में इसको यहीं होल्ड करते हैं, इसको आगे मूव करके चेक करते हैं क्या रिपीटेशन होगा या सेम होगा। अगर इसको आगे मूव करोगे तो ये तो यहीं होल्ड रहा और ये मूव होके यहाँ चला गया। अब आप ये देखो, ये वाला कंपाउंड ऊपर बने हुए कंपाउंड में आपको कहाँ दिखता है? अगर आप इन दोनों कंपाउंड को कंपेरिजन करोगे, ये दोनों कंपाउंड सेम है, यानी इसमें 1,2 और 3, 1,3-dihalobutane है, अगेन ये यहाँ से 1,2,3, 1,3-dihalobutane है, इसलिए इसमें से एक कंपाउंड को हम रिमूव कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड फर्स्ट था उसमें हमने दो हेलोजन लगाए, एक एक हेलोजन को मूव करके कंपाउंड बना लिए, दोनों हेलोजन को एक साथ मूव करके कंपाउंड लगा लिए और यहाँ कुछ होल्ड करके फिर एक कंपाउंड बना लिया, यानी कि फर्स्ट कंपाउंड के हमने सभी केस चेक कर लिए। अब कंपाउंड सेकेंड को ले लेते हैं। अब इस कंपाउंड सेकेंड में सबसे पहले इसके इस कार्बन पर दो हेलोजन एक साथ लगाते हैं। अगर दो हेलोजन एक साथ लगाओगे, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा जो कि सभी कंपाउंड से इंटायरली डिफरेंट होगा। अब क्या करना है, अब इस कार्बन पर एक हेलोजन को होल्ड करना है, दूसरी हेलोजन को आगे की साइड मूव कर देना है। ऐसा करने पर आपके पास एक नया कंपाउंड बन के आएगा जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर क्या करना है, वापस इस कार्बन पर इसको तो होल्ड करके रखना है और इस कार्बन के हेलोजन को इन दोनों में से किसी अगली जगह एक जगह पर मूव कर देना है। तो इससे आपके पास एक तीसरा कंपाउंड बन के आएगा जिसमें हेलोजन यहाँ पहुंच जाएगा। अब इनमें से और कोई भी कंपाउंड नहीं बन सकता। अब मान लो जो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड था, इसके दोनों हेलोजन को एक साथ इस कार्बन से इस कार्बन पर ले जाते हैं। अगर इससे आप ये कंपाउंड ड्रॉ करोगे तो दोनों हेलोजन आपके इस कार्बन पे आ जाएंगे। अब अगेन क्या इस कंपाउंड में कोई एरर है? डेफिनेटली एरर है, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी हो रही है, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो आपने कंपाउंड बनाया था, इसके दोनों हेलोजन इस कार्बन से इस कार्बन पर कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि वैलेंसी एरर आ जाएगा, इसलिए इसको हम वापस रिमूव कर देते हैं। अब वापस हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है उसको कंसिडर करते हैं। अब चाहे आप दोनों हेलोजन इस कार्बन पर लगाओ, दोनों हेलोजन इस कार्बन पर लगाओ या दोनों हेलोजन इस कार्बन पर लगाओ, वो यही कंपाउंड बनेगा, यानी कि इस C4H8X2 से अब एक भी नया कंपाउंड नहीं बन सकता। अभी टोटल कितने बने हैं? 4 बनाए हमने ऊपर, 2 ये रहे, 6 हो गए और 3 ये रहे, 9 हो गए, यानी C4H8X2 के टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। इस एग्जांपल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल फार्मूला C3H5X3 दिया गया है। वीडियो को पॉज करके इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फटाफट ड्रॉ करो। तो इस कंपाउंड के टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। अब सबसे पहले करना क्या है, प्रोपेन को एज्यूम कर लेना है। प्रोपेन पर ये तीनों हेलोजन केवल एक ही कार्बन पर लगा दिए, यानी ये हमारे पास 1,1,1-trihalopropane है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो हेलोजन को इस कार्बन पर होल्ड कर लेंगे, एक हेलोजन को आगे मूव करेंगे, तो इससे ये कंपाउंड बनेगा जिसके इस कार्बन पर दो हेलोजन होल्ड है, एक कार्बन पर एक हेलोजन चला गया। अब इस कंपाउंड में क्या करना है, इसको यहीं होल्ड करना है, इस वाले हेलोजन को मूव करके यहाँ ले आना है, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा। ये तीनों कंपाउंड आपस में डिफरेंट होंगे। अब क्या करना है, जो हमारे पास पहला नंबर कंपाउंड था उसमें इस कार्बन पर एक हेलोजन होल्ड करना है। अभी हमने दो हेलोजन होल्ड किए थे, अब एक हेलोजन होल्ड करना है और दो को एक साथ मूव करना है। तो जैसे ही आप एक हेलोजन को होल्ड कर लोगे और बाकी दोनों को अगली पोजिशन पर मूव करोगे, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी ये हमारे पास 1,2,2-dihalopropane है। अब इस कंपाउंड में क्या करना है, अब इस कंपाउंड में इसको यहीं होल्ड करो और इन दोनों हेलोजन को इस कार्बन पे ले आओ। जैसे ही आप इस कार्बन पे लाओगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैच करो, क्या ये कंपाउंड नया है, ये रिपीटेशन हुआ है। अब इस कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, यानी ये दोनों कंपाउंड जो है आपस में सेम है, इसका मतलब रिपीटेशन हो गया है, हम इस कंपाउंड को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब वापस आ जाओ इस कंपाउंड पे, क्या आपने एक यहाँ होल्ड करा, दो यहाँ थे, अब दोनों को यहाँ ला रहे हो तो रिपीटेशन हो रहा है। अब क्या करना है, इस कंपाउंड में एक यहाँ होल्ड कर लो, इन दोनों में से एक यहाँ होल्ड कर लो और एक को आगे मूव कर दो, ठीक है। तो जैसे आप एक आगे मूव करोगे, इन तीनों कार्बन पे एक एक हेलोजन चला जाएगा, यानी ये 1,2,3-trihalopropane बन जाएगा। तो इस तरह से C3H5X3 के टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग डीयू की। अगर डीयू कंपाउंड की टू है और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कंपाउंड की जो डीयू होती है वो उस कंपाउंड में रिंग प्लस पाई बॉन्ड होते हैं, यानी जितने उसमें रिंग और पाई बॉन्ड की संख्या होगी वो उसकी डीयू होगी। चूंकि कंपाउंड की डीयू अगर दो है तो इसमें रिंग और पाई बॉन्ड के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर डीयू दो है, यहाँ पर हम रिंग की डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड के पाई बॉन्ड की बात करते हैं। डबल बॉन्ड में हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। अगर हमको डीयू टू को मेंटेन करना है तो पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि उस कंपाउंड में दो रिंग हो बट उसमें किसी भी तरह का पाई बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। सेकेंड कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि कंपाउंड में रिंग ना हो बट उसमें दो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो। तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि कंपाउंड में रिंग भी ना हो, डबल बॉन्ड भी ना हो, सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड हो। चौथा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि कंपाउंड में एक रिंग हो, एक डबल बॉन्ड हो। तो इन चारों कॉम्बिनेशन को डीयू टू के दौरान हमको कंसिडर करना है। इसके अलावा हमको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर कंपाउंड की डीयू टू है और उसमें आप डबल बॉन्ड के केस एज्यूम कर रहे हो, उसमें दो डबल बॉन्ड आपको रखने पड़ेंगे और डबल बॉन्ड के केस आप एज्यूम कर रहे हो, तो तीन तरह के फर्दर केस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि दो डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेटेड भी हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं और आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। अब मान लो मुझे किसी कंपाउंड में डीयू टू मेंटेन करनी है और मैं उसमें दो डबल बॉन्ड रखना चाहता हूं, तो पहली कंडीशन इसमें होगी कंजुगेटेड कंडीशन, यानी टू डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। तो ऐसी कंडीशन में कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कहलाएंगे और इसको बनाने के लिए आपके कंपाउंड में मिनिमम फोर कार्बन तो होने ही चाहिए, तभी आपके पास कंजुगेटेड कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी। इसी तरह सेकेंड कंडीशन इसकी होगी क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, यानी एक कार्बन पर दोनों साइड डबल बॉन्ड, जैसे ये कार्बन है इसके दोनों साइड डबल बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशन के लिए इस क्यूमुलेटिव सिस्टम को बनाने के लिए आपके पास टोटल मिनिमम थ्री कार्बन होने चाहिए। अगर थ्री कार्बन हैं तो उसमें आप क्यूमुलेटिव कंडीशन को कंसिडर कर सकते हो। और तीसरी इसकी कंडीशन होती है आइसोलेटेड कंडीशन, इसमें दो डबल बॉन्ड आपस में मोर देन वन सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं, तो इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में आपको कम से कम एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड दिखेंगे। अब मान लो आइसोलेटेड सिस्टम ड्रॉ करना है तो इसके लिए आपके कंपाउंड में मिनिमम फाइव कार्बन होने चाहिए। अब मिनिमम कार्बन का मतलब क्या है? मिनिमम कार्बन का मतलब है सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन की संख्या सिक्स है। बड़ा ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मान लो मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन की संख्या छह है और डीयू दो है, यानी कार्बन की संख्या सिक्स है और डीयू हमारे पास टू है, और मान लो उसमें हम दो डबल बॉन्ड रखना चाहते हैं, तो हमको दो डबल बॉन्ड रखने हैं, कार्बन की संख्या सिक्स है, तो तीनों कंडीशन हमको एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन के लिए मिनिमम कार्बन थ्री आइदर फोर आइदर फाइव चाहिए। अगर मान लो कार्बन की संख्या पांच है, अगेन डीयू टू है और दो डबल बॉन्ड रख रहे हैं, तो भी हमको तीनों कंडीशन एज्यूम करनी है। अगर कार्बन की संख्या चार है, सपोज कार्बन की संख्या फोर है और उसमें डीयू है टू, तब कौन कौन सी कंडीशन एज्यूम करोगे? तब आप केवल ये दोनों कंडीशन एज्यूम करोगे, इस वाली कंडीशन को एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम कार्बन हमको पांच चाहिए। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक कंपाउंड C5H8 मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया गया और इसमें अगर हम डीयू निकालेंगे इसकी डीयू आएगी हमारे पास टू। अगर किसी कंपाउंड की ड्यू टू आ रही है तो रफ में दो काम फटक से आपको कर लेने हैं। पहला तो ये कि इस संख्या के अकॉर्डिंग ओपन चेन एल्केन बना लेनी है और इस संख्या के अकॉर्डिंग साइक्लो एल्केन बना लेनी है, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड होता कि वहां पे कार्बन की संख्या छह होती और ड्यू टू होती, तो वैसी कंडीशन में हमको ओपन चेन हेक्सेन के सारे आइसोमर बना लेने हैं और साइक्लो हेक्सेन के सभी आइसोमर बना लेने हैं। चूंकि हमारे पास कार्बन की संख्या 5 है तो अगर इसके पेंटेन और साइक्लोपेंटेन के आइसोमर रफ में बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। इसमें जो पहले तीन हैं ये तो पेंटेन के आइसोमर है, एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2-2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और नीचे वाले पांच जो है साइक्लोपेंटेन के आइसोमर है, साइक्लोपेंटेन, मिथाइल ब्यूटेन, इथाइल प्रोपेन, 1-1 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1-2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब बात करते हैं C5H8 के आइसोमर्स की। अगर हमको C5H8 के एल्काइंस बनाने हैं, सिर्फ एल्काइंस, तो हम क्या करेंगे? चूंकि एल्काइन की इटसेल्फ डीयू कितनी होती है, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं,
यानी इसकी डीयू टू होती है। अगर आप एल्काइन बना रहे हो तो आपको कभी भी डीयू दो से एक्सीड नहीं करनी है, यानी कि अगर आपने इन रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड रखने की कोशिश करी तो डीयू आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी डीयू दो है, रिंग की डीयू एक, यानी टोटल डीयू तीन हो जाएगी। तो किसी भी कीमत पर साइक्लो एल्काइंस नहीं बनानी है आपको। अब बात करते हैं इसके आइसोमर बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसका इस कंपाउंड को कंसिडर कर लेंगे, यानी एन पेंटेन को कंसिडर कर लेंगे, और इस एन पेंटेन में हम ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ रख सकते हैं इसको एज्यूम करेंगे। तो इनके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रखें तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारे पास बन जाएगा पेंट वन आइन। अब क्या करना है, इसके इस ट्रिपल बॉन्ड को आगे की साइड मूव करना है। जैसे ही इसको आगे मूव करोगे इसका एक सेकेंड कंपाउंड बन जाएगा विच इज पेंट टू आइन। अब मान लो इस कंपाउंड में वापस ट्रिपल बॉन्ड को आगे की साइड मूव करोगे तो वो कंपाउंड इसी कंपाउंड का सेम हो जाएगा, और मान लो इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां में ले गया तो वो कंपाउंड इस कंपाउंड के सिमिलर हो जाएगा। यानी कि इस फर्स्ट कंपाउंड से हम केवल दो तरह की एल्काइन बना सकते हैं। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड में कहां कहां पे हम ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं। अब मान लो मेरे पास ये 2-methyl-butane है, अब आप यहां पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते, वैलेंसी एरर आ जाएगा। इसी तरह से यहां पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं रखा जा सकता, इस कार्बन की वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी, वैलेंसी एरर होगा। क्या यहां पे रख सकते हैं, यहां भी नहीं रख सकते, इस कार्बन की वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास ये जो बॉन्ड है यही एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आप ट्रिपल बॉन्ड को रख सकते हो। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को यहां रखोगे तो ये हमारे पास इसका एक आइसोमर और बन जाएगा। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की, क्या इस कंपाउंड में कहीं भी हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं, इसमें कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते। यानी कि जो ओपन चेन कंपाउंड थे वो इससे केवल तीन ही तरह की एल्काइंस पॉसिबल है। क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड रखें, जैसा अभी हमने बताया कि अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड रखोगे तो डी यू थ्री हो जाएगी, जबकि हमको डी यू टू मेंटेन करनी है। तो C5H8 से केवल ये तीन एल्काइंस ही पॉसिबल है। नंबर सेकेंड, अगर मान लो C5H8 के पॉसिबल एल्काडाइंस पूछता, अभी एल्काडाइंस क्या होती हैं, IUPAC में हमने देखा है एल्काडाइंस वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दो डबल बॉन्ड हो, और दो डबल बॉन्ड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने इसी वीडियो में चेक करें कि अगर दो डबल बॉन्ड हो तो कंजुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटिव सिस्टम हो सकता है। चूंकि इसमें कार्बन की संख्या 5 है तो हमको तीनों तरह के सिस्टम सोचने पड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा था कंजुगेटिव के लिए 4 कार्बन मिनिमम चाहिए, क्यूमुलेटिव के लिए 3 कार्बन मिनिमम चाहिए, और आइसोलेटेड के लिए 5 कार्बन मिनिमम चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें तीन तरह की एल्काडाइंस पॉसिबल हो सकती हैं, जिनको हम सेपरेट स्टडी करते हैं ताकि हमको ये कंपाउंड बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर ए, कंजुगेटेड डाइंस। रफ में जो कंपाउंड थे उनको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि इन कंपाउंड को देखकर हम कंजुगेटेड डाइंस बनाएंगे। कंजुगेटेड डाइंस का मतलब कंपाउंड में आपके पास दो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं, यानी एन पेंटेन में हम किस तरह से दो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड कंडीशन में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एन पेंटेन को कंसिडर कर लिया, अगर मुझे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड लगाने हैं, अगर मैंने एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया है तो मुझे एक सिंगल बॉन्ड का गैप रखना पड़ेगा और इस पोजीशन पर दूसरा डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे पास ये इसकी कंजुगेटेड डाइंस बन गई। अब क्या इसमें इसके अलावा कोई कंजुगेटेड डाइन पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी एन पेंटेन से कंजुगेटेड डाइन पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके सेकेंड कंपाउंड को ले आएंगे, इसका सेकेंड कंपाउंड यानी कि 2-methyl-butane है। अब इसमें आप कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड रख सकते हो जो कंजुगेटेड कंडीशन में है। अगर मान लो इसमें हम यहाँ पर डबल बॉन्ड रखें, एक डबल बॉन्ड यहाँ रखें तो एक का गैप देना पड़ेगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ रखना पड़ेगा। तो इसकी जो कंजुगेटेड डाइंस होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, यानी ये जो हमारे पास 2-methyl-butane है इससे केवल एक ही कंजुगेटेड डाइन पॉसिबल है। अब बचा हमारे पास नियोपेंटेन या फिर ये 2-2-dimethylpropane, इसमें किसी भी तरीके से आप दो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड कंडीशन में नहीं रख सकते। अब बात करते हैं इन साइक्लो एल्केन की। सपोज अपने सबसे पहले साइक्लोपेंटेन कंसिडर कर लिया, और साइक्लोपेंटेन में आपने इस तरह से एक डबल बॉन्ड रखा, फिर आपने इसमें एक सिंगल बॉन्ड का गैप देके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और रख लिया। जैसे ही आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड रखा ये कंजुगेटेड कंडीशन तो बन गई। अब आप खुद सोचो आपने गलती क्या करी, आपने गलती ये करी इस कंपाउंड की डीयू कितनी हो गई,
इस कंपाउंड की DU हो गई 3, जबकि हमको C5H8 में DU जो थी वो हमको 2 मेंटेन करके रखनी है। यानी कि हम ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएंगे जिसमें रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड हो। तो ये जो मॉलिक्यूल बनाया है इसको अपने रिमूव कर देते हैं, यानी कि इस कंपाउंड के लिए ये जो एल्केन्स साइक्लो एल्केन्स हैं इनको हमको यूज नहीं करना। तो इस कंपाउंड के थ्रू यानी C5H8 के थ्रू एल्काडाइंस की बात करें तो कंजुगेटेड एल्काडाइंस 2 ही पॉसिबल है। नंबर बी, अब बात करते हैं C5H8 की क्यूमुलेटिव डाइंस की, यानी ऐसे डबल बॉन्ड जो एक कार्बन के दोनों साइड हो। तो सबसे पहले एन पेंटेन को कंसिडर कर लेंगे। अब एन पेंटेन में ऐसी कितनी जगह हो सकती है कि एक कार्बन पर दोनों साइड डबल बॉन्ड रखें, जैसे इस कार्बन पर यहाँ भी डबल बॉन्ड रख दो और यहाँ भी डबल बॉन्ड रख दो। तो हमारे पास कंडीशन कौन सी बन जाएगी, इससे हमारे पास पहला आइसोमर बन जाएगा वो ये बन जाएगा। अब क्या करना है, अब मान लो हमको टोटल इस ऐसा सिस्टम बनाने के लिए 3 कार्बन चाहिए। अभी आपने इन तीनों कार्बन को कंसिडर करा और यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दिया। अब सपोज बीच वाले तीनों कार्बन को कंसिडर करके इस जगह पे और इस जगह पे डबल बॉन्ड रखें, तो ये डबल बॉन्ड रखने पर कुछ कंपाउंड हमको इस तरह से दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ इस एन पेंटेन के थ्रू हम केवल 2 ही क्यूमुलेटिव डाइंस बना सकते हैं। अब कंसिडर करते हैं इस कंपाउंड को, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन को। अब बात करते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन में ऐसे कौन से 3 कार्बन हैं जिनको हम यूज करके क्यूमुलेटिव सिस्टम बना सकते हैं। अब सपोज इसमें हम इन 3 कार्बन को यूज करना चाहते हैं, आइदर इन 3 कार्बन को यूज करना चाहते हैं, ये 3 कार्बन आइदर ये 3 कार्बन सेम रिजल्ट देंगे। अगर इसमें हम डबल बॉन्ड रख देते हैं तो सिस्टम कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। अब आप खुद सोचो, जैसे अगर यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड रख दिया इन 3 कार्बन को यूज करते हुए, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। यानी कि इस तरह का क्यूमुलेटिव सिस्टम वैलिड नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका यहाँ से डबल बॉन्ड को रिमूव करके दूसरी साइड शिफ्ट करके देखते हैं क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। क्या इसमें आपने इन 3 कार्बन को यूज किया है, अगेन इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ इस 2 मिथाइल ब्यूटेन में इन तीनों कार्बन को आइदर इन तीनों कार्बन को यूज करके क्यूमुलेटिव सिस्टम नहीं बना सकते। अब हम क्या करते हैं, इसके क्यूमुलेटिव सिस्टम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम इन 3 कार्बन को कंसिडर करते हैं, क्या इन 3 कार्बन को कंसिडर करके हम इनमें आपस में क्यूमुलेटिव सिस्टम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड को यहाँ रख देते हैं, एक डबल बॉन्ड को यहाँ रख देते हैं। अब गौर से देखते हैं इस कंपाउंड में किसी भी तरह की एरर नहीं है, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन से केवल एक क्यूमुलेटिव डाइंस बन सकती है। अब थर्ड नंबर कंपाउंड यानी 2-2 डाई मिथाइल प्रोपेन में ना तो हम क्यूमुलेटिव सिस्टम बना सकते हैं ना ही आइसोलेटेड बना सकते हैं, यानी ये हमारे पास यूजलेस हो जाएगा। अगर क्यूमुलेटिव डाइंस की बात करें तो टोटल C5H8 की 3 क्यूमुलेटिव डाइंस बनेंगी। और अब बात करते हैं आइसोलेटेड डाइंस की, यानी ऐसे 2 डबल बॉन्ड जो कि एक दूसरे से मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड हो। अभी हमने इस वीडियो में देखा कि आइसोलेटेड डाइंस बनाने के लिए मिनिमम 5 कार्बन मेन चेन में होने चाहिए। अगर मान लो इस एन पेंटेन को कंसिडर करें और एन पेंटेन में हम ऐसे कितने कंपाउंड बना सकते हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड रखें विच इज सेपरेटेड बाय 2 सिंगल बॉन्ड। सपोज हमने एक यहाँ रख दिया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 2 सिंगल बॉन्ड का गैप देना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड का गैप देके यहाँ डबल बॉन्ड रखते हैं ये तो हमारे पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बन जाता। हमको आइसोलेटेड डाइन बनानी है, यानी इसमें वो डबल बॉन्ड जो एक दूसरे से एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ रखा तो हमको ये गैप देना पड़ा, ये गैप देना पड़ा और यहाँ पे बचा हुआ डबल बॉन्ड बना लिया। अब इस कंपाउंड में इससे ज्यादा आइसोलेटेड डाइन पॉसिबल ही नहीं है। अब मान लो मेरे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन होता तो क्या 2 मिथाइल ब्यूटेन में मुझे आइसोलेटेड डाइंस कंसिडर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आइसोलेटेड डाइंस के लिए आपके कंपाउंड की मेन चेन में मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, जबकि 2 मिथाइल ब्यूटेन की मेन चेन में टोटल 4 कार्बन है। इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन से आप आइसोलेटेड डाइंस नहीं बना पाएंगे और ना ही इस नियो पेंटेन से बना पाओगे। साइक्लोएल्केन हमको वैसे ही यूज नहीं करनी। तो बेसिकली जो C5H8 कंपाउंड था, मॉलिक्यूल फार्मूला था, उससे कंजुगेटेड डाइंस 2 बनेंगी, क्यूमुलेटिव डाइंस 3 बनेगी,
आइसोलेटेड डाइंस एक बनेगी। अगर टोटल एल्काडाइंस पूछता, यानी हमसे सेपरेटली ना पूछ के वो ऐसे पूछता C5H8 के कितने एल्काडाइंस बनेंगी, तो हमारे पास आंसर जो होता इन सब का टोटल 6 हो जाता। नंबर थर्ड, अगर C5H8 के हमको साइक्लोएल्कीन डेरिवेटिव बनाने होते तब क्या करते। अब साइक्लोएल्कीन्स क्या होती है, साइक्लोएल्कीन्स में हमारे पास एक रिंग होगी, इस कारण से इसकी ड्यू 1 हो जाएगी। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड होगा, इसकी ड्यू 1 हो जाएगी, यानी साइक्लो एल्कीन्स की इटसेल्फ ड्यू टोटल 2 बन जाएगी, और C5H8 में ड्यू 2 होती है। यानी कि हमको ऐसी साइक्लो एल्कीन बनानी है जिसमें केवल एक डबल बॉन्ड हो। तो ऐसी कंडीशन में 5 कार्बन वाली सभी साइक्लो एल्कीन को रफ में बना लेना है। अब इनको 1 by 1 कंसिडर करना है और सब में एक एक डबल बॉन्ड रख के उसकी पोजीशन को शिफ्ट करना है। जैसे सबसे पहले हम साइक्लोपेंटेन कंसिडर कर लेते हैं। अब साइक्लोपेंटेन में आप कहीं भी एक डबल बॉन्ड रख दो, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ रखो, कहीं भी आप डबल बॉन्ड रख दो, इससे साइक्लोपेंटेन ही बनेगी और कोई आइसोमर बन नहीं सकता। अब बात करते हैं सेकेंड आइसोमर जो कि हमारे पास था, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब सोचो इसमें कहाँ का डबल बॉन्ड रख सकते हैं कि हमारे पास ड्यू 2 बने और नया आइसोमर बने। सपोज इसके बीच में डबल बॉन्ड रखा तो ये कंपाउंड हमको कुछ इस तरह से दिखाई दे देगा। अब मान लो वापस हमने बना लिया साइक्लोब्यूटेन। अब जो हमारे पास ये बना हुआ है इसका डबल बॉन्ड यहाँ रखा, अब डबल बॉन्ड को हम इस तरह से इसको मूव करेंगे कि नया आइसोमर बन जाए। अभी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसको मूव करके इन दोनों कार्बन के बीच में ले आते हैं, तो इससे हमारे पास नया आइसोमर इसका ये बन जाएगा। अब जो नया आइसोमर बना है उसमें डबल बॉन्ड को मूव करते हैं, यानी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ है, अब इसको मूव करके इन दोनों के बीच में ले आते हैं। ऐसा करने से तीसरा आइसोमर बन जाएगा ये। अब इसके अलावा इसमें कहीं भी आप डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, आइदर यहाँ पे रख लेते हैं, वो रिपीटेशन होता, यानी कि हमने मिथाइल साइक्लोब्यूटेन यूज कर लिया। अब बात करते हैं इस इथाइल साइक्लोप्रोपेन की। अब इथाइल साइक्लोप्रोपेन में आप ये बताओ कहाँ कहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड रख सकते हैं। अब इसमें डबल बॉन्ड देखो यहाँ इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में रख सकते हैं। यानी इससे 1, 2, 3 और 4 टोटल ये 4 टाइप्स के कंपाउंड बन सकते हैं। क्या ये चारों एल्कीन जो बनाई है वो आपस में डिफरेंट है या सेम है? ये चारों के चारों एल्कीन आपस में डिफरेंट है। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की, यानी 1-1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब अगर इस कंपाउंड को कंसिडर करें तो इसमें कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड रख सकते हैं। अगर आपने इन दोनों कार्बन के बीच में, आइदर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखा तो ये इस कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर देगा, तो यहाँ पर आपने इन दोनों कार्बन को यूज नहीं करना है। अब मान लो इन दोनों के बीच में रखा तो भी वैलेंसी एक्सीड हो जाएगी, इन दोनों के बीच में रखा तो भी वैलेंसी एक्सीड होगी। यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड रखते हैं तो इसमें किसी की भी वैलेंसी एक्सीड नहीं होगी, यानी इससे हमारे पास एक नई साइक्लोएल्कीन बन जाएगी। अब बचा हमारे पास 1-2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें कंसिडर करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे हम डबल बॉन्ड रख सकते हैं। अब खास बात क्या है कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड रखो या यहाँ पे डबल बॉन्ड रखो, ये दोनों कंपाउंड सिमिलर होंगे, तो किसी एक जगह को यूज करना है। मान लो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दिया तो अब हम यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रखेंगे। अब इस कंपाउंड में इस डबल बॉन्ड को मूव करना है, इसमें हमने ये वाला कंपाउंड बना लिया। अब वापस इस डबल बॉन्ड को अगर हम यहाँ शिफ्ट करके इन दोनों के बीच में बनाते हैं तो क्या कंपाउंड डिफरेंट होगा या फिर सेम होगा? तब क्या करते हैं, इसको रिमूव करके हम इन दोनों के बीच में लगा लेते हैं। अब आपको ये देखना है क्या ये कंपाउंड पहले वाले दोनों कंपाउंड से डिफरेंट है या सेम है। ये दोनों कंपाउंड इसके साथ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसमें डबल बॉन्ड बाहर था, इसमें डबल बॉन्ड दोनों मिथाइल के बीच में है, जबकि इसका डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस मिथाइल वाले कार्बन के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों ही आपस में डिफरेंट कंपाउंड है। अब इसके अलावा कोई भी और आइसोमर आप बनाओगे वो इनमें से किसी का रिपीटेशन होगा। तो C5H8 के टोटल साइक्लोएल्कीन कितनी पॉसिबल है? टोटल साइक्लोएल्कीन इसकी 12 पॉसिबल है, यानी इससे हम 12 साइक्लोएल्कीन ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज अब आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके C5H8 जिसकी ड्यू 2 है इसके बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाने हैं, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही बनाने हैं। अब इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि बाईसाइक्लो कंपाउंड ड्रॉ करने से पहले आप बाईसाइक्लो का क्लासिफिकेशन फटाक से देख लो। थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, फ्यूज बाईसाइक्लिक, उसके बाद स्पायरो
और एक हमारे पास ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो गाइज आई होप आपने इसके आइसोमर ड्रो करे होंगे, इसके टोटल 5 बाइसाइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे। इस वीडियो लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एग्जांपल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिक के थ्रू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की संख्या निकालना सीखेंगे, यानी कि अगर हमारे पास इंटीजर का क्वेश्चन है तो उसको जल्दी अटेम्प्ट करने के लिए हमको क्या करना है, क्या ट्रिक यूज करनी है उसको सीखेंगे।